अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा आप ही ने तो कहा था ना कि किसी की दो वाइफ नहीं हो सकती हैं। पर दो मम्मा तो हो सकती हैं ना। एटलीस्ट आप तुलसी मम्मा को तो बता दो कि मेरे रामा मम्मा हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना गुनगुन, प्लीज समझो ना। पापा आप ही तो कहते हो ना कि झूठ बोलना रॉन्ग है, तो फिर आप सब लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? पापा हम ये सब कुछ क्यों छुपा रहे हैं? देखो बेटा गुनगुन, कभी कभी ना लाइफ में सच छुपाना ना सच बताने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। आई नो कि ये रॉन्ग है, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी है ना। देखो अगर सबको ये सच पता चल गया ना कि राधा तुम्हारी मम्मा है, तुलसी माँ को भी पता चल जाएगा कि राधा मेरी पत्नी है, और हम ऐसा नहीं कर सकते। बेटा हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वह टोपी वेयर रखना गलत होता है, वो सही नहीं है। पर पापा इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया है ना। हम सबको लगता था कि मेरी तुलसी मम्मा नहीं है, पर जैसे वो घर में आई तो सब लोग हैप्पी हो गए। पर हम सबके हैप्पी होने से रामा तो सैड नहीं होनी चाहिए है ना, उसको तो बुरा नहीं लगना चाहिए है ना। पर यहाँ तो इस घर में सब लोग रामा को पेन दे रहे हैं। अगर मुझे अपनी दोनों मम्मा में फर्क नहीं करना चाहिए तो आप सब लोग मेरी तुलसी मम्मा और मेरी रामा में फर्क क्यों कर रहे हो? सारे लोग मेरी रामा को इतना बुरा फील क्यों करवा रहे हैं? पापा सारे लोगों ने मेरी रामा को गवर्नेंस बुलाया। राधा गुनगुन की गवर्नेंस है, इसी ने गुनगुन को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरी मम्मा है ना, वो मेरी रामा है पापा। गुनगुन आई एम सॉरी ना। पापा आप कहते हो ना कि आप रामा से लव करते हो, और आपने मुझे समझाया था ना कि जिससे लव करते हैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करते, तो आपने रामा को क्यों हर्ट किया पापा, क्यों किया? और आपने देखा ना रामा को रोते हुए, आपने उसकी आंखों में आंसू देखे ना, आप कैसे उसकी आंखों में आंसू देख सकते हो पापा? देखो मैं जानता हूँ ना जो राधा के साथ हो रहा है वो गलत है, पर ट्रस्ट मी गुनगुन, जितना दर्द राधा को ये सब कुछ देखकर हो रहा है ना, उससे ज्यादा दर्द मुझे करते हुए हो रहा है। पर जब तक तुलसी माँ ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं कर सकता सच में। पर गुनगुन आई प्रॉमिस यू, मैं बहुत जल्दी ना सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें और रामा को मुझ पर भरोसा करना है, और कुछ नहीं। पर पापा आप ये सब कुछ कैसे कर लोगे? मुझे नहीं पता। बाकी प्यारी जी, ये माँ जी को कभी भी अपने कर्मों की सजा मिलने की भी आ नहीं, पता नहीं इन्होंने ये तुलसी जी का कंकाल आके छुपाया कहाँ है। हे बाकी प्यारी जी, अब हम कैसे साबित करेंगे कि वो औरत वो बेरूपिया तुलसी जी नहीं है? रख दो जी। अरे आप लोग है कौन? मैम हमें आपके घर से ये फ्लावर्स का ऑर्डर मिला है। अरे नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमने ये कोई फूल वूल नहीं मंगवाए हैं। हमने मंगवाए हैं।
आप जा सकते हैं। पर क्यों माँ जी? हमारी बहू इतने सालों बाद इस घर में वापस आई है, ये दिन कोई त्योहार से कम थोड़े ना है। और वैसे भी राधा, फूलों से ना घर की खुशबू और खुशियां बढ़ती है, पर आज ये फूल एक खास चीज के लिए आए हैं। मोहन और तुलसी इतने सालों बाद एक साथ अपने कमरे में रहने वाले हैं, तो आज की रात उनकी सुहाग रात जैसी ही होगी ना। तो बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। मोहन जी की सुहाग रात? ये कैसी घटिया बातें सोच रही हैं आप माँ जी? मोहन जी, हमारे पति वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम जाके अभी बताते हैं उन्हें। क्या बताओगी राधा, क्या बताओगी अपने मोहन जी को? क्यों नहीं करेंगे तुम्हारे मोहन जी ऐसा? क्योंकि मोहन जी हमारे पति है, हम उनकी पत्नी। उसे उसकी पहली पत्नी है। कानूनी। और सबसे बड़ी बात राधा, मोहन तुलसी से प्यार करता है। मोहन तुलसी को पागलों की तरह चाहता था। उसने घर परिवार रिश्तेदार यहां तक कि हमारी परवाह किए बगैर एक मांस मछली खाने वाली बंगाली लड़की से शादी की और उसे त्रिवेदी परिवार की बहू बनाकर इस घर में लेकर आया। उसने दामिनी के साथ रिश्ता भी तोड़ दिया। वैसे दामिनी सबकी पसंद थी और तुलसी किसी की भी नहीं, फिर भी सबके खिलाफ जाकर उसने तुलसी से शादी की क्योंकि वो तुलसी को बेतहाशा प्यार करता था। जहां तक हम जानते हैं ना राधा, तुम्हारे और मोहन की शादी का रिश्ता तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।